हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1। चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन 17 कर लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क। आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर टोटल जो डिस्क है वो 9090 है। Which are numbered from 1 to 90, और उनके ऊपर 1 से लेकर 90 तक नंबरिंग लिखी हुई है। If one disc is drawn at random, एक डिस्क को रैंडमली निकाला गया है बॉक्स से, find the probability that it bears a two digit number, तो टू डिजिट नंबर होगा वो आप लोगों ने पता करना है पहले पार्ट में। चलिए, लेट ई इवेंट ई बना लेते हैं। डिस्क Having a two-digit number, तो डिस्क जिसके पास दो डिजिट का नंबर होगा वो। अब आपको पता है दो डिजिट का नंबर हमारा 1 से 90 के जो मतलब आपके पास नंबरिंग है 10 से स्टार्ट होगा, तो 10 से स्टार्टिंग होके 90 तक जाएगा, तो यानी कि 81 डिस्क ऐसी है। नंबर ऑफ डिस्क विद टू डिजिट नंबर, तो कितनी मेरे पास नंबर ऑफ डिस्क जाएंगी, 81 डिस्क होंगी जिनके ऊपर टू डिजिट नंबर होगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट वाली डिस्क मिलेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, तो फेवरेबल आउटकम है मेरे पास 81 और टोटल आउटकम है 90, तो ये आपका कट करके 9/10 या फिर 0.9 आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का डन हो गया। सेकंड पार्ट है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो एफ इवेंट बना लेते हैं। डिस्क विथ अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर का मतलब क्या होता है, जिनका प्रॉपर रूट हो, जैसे 1 का रूट 1 है, 4 का रूट 2 है, तो ऐसे वाली डिस्क कितनी है, तो हम लोग पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डिस्क विद अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर कितनी है। चलिए ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 का रूट होता है, 4 का रूट होता है, 9 होता है, 16 का भी होता है, 25 का भी होता है, 36, 49, 64, 81, 100 का भी होता है, लेकिन 100 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमारे पास डिस्क पे नंबरिंग 90 तक ही है। तो कितनी डिस्क हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 डिस्क ऐसी हैं जिनके ऊपर जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगी, फेवरेबल डिस्क 9 है, टोटल 90, तो यू विल गेट 1/10, दैट इज 0.1। ओके, उसके बाद है नंबर डिविजिबल बाय 5। लेट जी डिस्क विद अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो नंबर ऑफ डिस्क विद अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो हमें देखनी है डिस्क जिनके ऊपर ऐसा नंबर हो जो 5 के टेबल पे जाता हो, तो कौन कौन है, 5 हो गई, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, वह तो सीधा भी है 18 आएंगे क्योंकि 90 को 5 से डिवाइड कर दोगे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोगों ने ये लिख ली। तो
इसको काउंट करेंगे तो इट विल बी 18। तो ये टोटल 18 डिस्क है, तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल है 18, टोटल डिस्क थी 90, तो कैंसिल आउट करके 1/5 या फिर 0.2 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हमारा डन हो गया। चलिए क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज सिक्स फेसेस शो द लेटर। तो एक चाइल्ड के पास डाई है और उसके ऊपर छह फेस है, जिनके ऊपर A, B, C, D, E एंड A ये चीज ये लिखे हुए हैं। डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंका हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए ए के आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ए कितने बार आ रहा है? दो बार। और टोटल कितने हमारे पास? सिक्स है, तो आई विल गेट 1/3। उसके बाद है डी, जो डी है वो एक बार आ रहा है और टोटल सिक्स है, तो 1/6 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन। एक आपकी बुक में रेक्टेंगुलर रीजन बनाया हुआ है और उसके अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है, तो आपने एक डाई इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर फेंकी है। प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर जाएगी, और इस सर्कल का डायमीटर आपको 1 मीटर दिया हुआ है, और जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड आपको दी हुई है, 3 मीटर लेंथ है और 2 मीटर विड्थ है। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। ये टोटल आउटकम में हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा टोटल जो रीजन है वो रेक्टेंगुलर एरिया है। L×B, तो 3×2 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वेयर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारी डाई ड्रॉप हो। तो सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वेयर होता है, पाई का पाई लिख लो, रेडियस, अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस 1/2 हो जाएगा, स्क्वेयर है तो दो बार लिखेंगे, तो यानी कि पाई बाय 4 मीटर स्क्वेयर। अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कि इसी सर्कल के अंदर डाई ड्रॉप हो, डाई लैंड इनसाइड द सर्कल। तो यानी कि फेवरेबल एरिया आपके पास सर्कल का है, दैट इज पाई बाय 4, और जो टोटल एरिया है रेक्टेंगुलर का है वो है 1/ वो है 6, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इट विल बी पाई बाय 24। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई कि जब डाई इसी रीजन में सर्कल में गिरेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी पाई बाय 24 है। रिक्वायर्ड एरिया अपॉन टोटल एरिया, या फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। ओके, इसे हम अब क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21 क्वेश्चन में क्या है? अ लूट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेंस। एक आपके पास लूट है, हम लोग इसको वो बोल सकते हैं ग्रुप लगा लो या फिर एक गुच्छा लगा लो, जिसके अंदर टोटल बॉल पेंस मेरे पास 144 है। आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जो उनमें से पेन डिफेक्टिव है उनकी जो गिनती है वो 20 है। तो फिर जो गुड बॉल पेंस होंगे वो कितने रह गए? माइनस करेंगे तो 124 आ गए। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी बाय पेन तब परचेज करेगी अगर वो अच्छा होगा, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, लेकिन अगर वो डिफेक्टिव हुआ तो फिर वो उसे परचेज नहीं करेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम। शॉपकीपर ने एक पेन रैंडमली ड्रॉन किया है, एंड गिवन टू हर, और उसे दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट। तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है बाय द पेन, पेन वो तब लेगी जब इट विल बी अ गुड पेन, तो यानी कि पेन अच्छा है, या फिर हमें गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो गुड पेन कितने हैं? 124। टोटल पेन कितने हैं? 144। तो ये हमारा
कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर ये बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास, टू के टेबल पे काट लेते पहले, 62 डिवाइडेड बाय 72 या 31 अपॉन 36, तो ये हमारे पास आ गया 36, फोर के टेबल पे कट गया, ठीक है। ओके, विल नॉट बाय, ओके नॉट बाय द पेन, पेन नहीं खरीदेगी, या फिर पेन जो है वो क्या होगा, डिफेक्टिव। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो, होना प्लस ना होना, या फिर इस तरीके से भी। डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 20, तभी नहीं परचेज होएगा, टोटल 144 ही है, तो अगेन फोर के टेबल पे कट के 5/36 आ जाएगा। और इस तरीके से 21st क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट्स आप लोगों के डन हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।